सीतापांडे क्षेत्र के गांव में एक ऐसा परिवार है जिसको अभी तक सरकारी लाभ नहीं मिला है। जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव सिरस खेड़ा में एक परिवार ऐसा है जिसको अभी तक कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। परिवार के एक सदस्य ने सभी अधिकारियों से गुहार लगाई है कि मुझे और मेरे परिवार को सरकारी लाभ मिलना चाहिए, जिसकी शिकायत ब्लॉक अधिकारियों से भी कई बार कर चुका है, लेकिन अभी तक गरीब परिवार को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। जी, मैं सरसखेड़े निवास पर रहने वाला हूँ। मेरा नाम भूरा है, सनोप छैला है। साहब, मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है और कहने का ये प्रार्थना है कि ना ही तो मुझे कोई आवास मिला है। आवास माने मकान नहीं है रहने का, और साहब कारट नहीं है रहने का। बहुत दो फेरी गल्ला मिल गया, मैं भूखा सो रहा हूँ और किससे शिकायत नहीं कर रहा हूँ। साहब, मेरी जो निवेदन हाथ जोड़ के कि मुझे जो है आवास मिलना चाहिए और मुझे कारट मिलना चाहिए, जिससे का मुझे गल्ला मिले। किसी अधिकारी से आपने शिकायत करी आज? जी, अधिकारी लेकर मैं ब्लॉक गया हूँ, गांव में प्रधानी से साहब मुरादाबाद तक मैंने सबसे शिकायत कर ली। यहाँ तक कि मेरे पास में किराए तक के पैसे नहीं रहे, मैं थक गया जाते जाते इन लोगों के द्वारा। अच्छा, किस क्या क्या मांगे हैं आपकी? साहब, क्या मांगे? सबसे पहले ये मकान हो रहने के लिए, जिसमें का मैं सही मेरे बाद में संचालय रहता रहे, और जिसमें का बालक लैट्रिन बाहर नहीं जाए, और एक राशन हो, राशन की बहुत जरूरत है। बाहर जाते हैं शौचालय के लिए? शौचालय के लिए सब बाहर जाना पड़ता है साहब। जी साहब, ये भोरा ने अभी इसका करिए, ये साहब बातें बात सच है, ये ज़्यादा परेशान है, और साहब इतने परेशान हैं कि साहब मुझे भी इनकी परेशानी नहीं देखी जा रही है जी। और ये शिकायत भी कर चुके हैं, कोई भी इनकी शिकायत नहीं सुनवाई हो रही कहीं भी। अच्छा, कहाँ कहाँ शिकायत करी साहब? ये ब्लॉक भी गए हैं, पटवारी साहब, सेक्रेटरी साहब से भी शिकायत करी है जी, और प्रधान जी से भी शिकायत करी है कि साहब मुझे कॉलोनी मिलनी चाहिए, इन्हें कॉलोनी नहीं मिली। कोई सरकारी लाभ आपके पड़ोसी हैं तो इन्हें कोई सरकारी लाभ मिला अभी तक? ना, सरकारी लाभ नहीं मिला है ना। राशन कार्ड वगैरह जैसे? ना, राशन कार्ड भी नहीं है इनका। शौचालय? कुछ शौचालय भी नहीं है इनका साहब। कहाँ करते हैं फिर ये साहब अपने? ऐसे ही अपने टाइम काटना बेचारे क्या रहे। एक भाई इनका बलदेपुर जाता है और एक भाई बनारस रहता है, इधर रहते फिर किराए हुए बेचारे के। और रात? अच्छा, आप क्या? अच्छा, हाँ सर, रात क्या? रात साहब बारिश हुई है, मैंने माहौल देखा इनका, ये मेरे पास के पड़ोस के हैं, इनका माहौल देखा, मैंने कहा तुम घर सोई हो, ये तो मेरे घर सोए हैं रात। अच्छा, आप क्या चाहते हो इनके लिए? हमें यही चाहते हैं साहब, इनके साहब सुविधा जो मोदी साहब और योगी साहब दे रहे हैं गरीबों के लिए, वो इन्हें मिलनी चाहिए।